Assalamu alaikum students, welcome to your channel Engineering and Technology. आज हमारा fifth lecture है जिसमें हम three commands discuss करेंगे. एक है trim command, दूसरा है extend command और तीसरा है offset command. Trim command के लिए Trr press करके command use करने के, extend के लिए भी EX, double enter, offset के लिए O enter, then size, then press enter. तो आइए चलते हैं हम अपने commands को AutoCAD में apply करते हैं. ठीक है, AutoCAD को हमने open कर लिया. unit setting, पहले unit setting हम इसकी कर लेते हैं. आपकी previous जो commands है वो भी repeat होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता. यहाँ पर inches, then okay. ठीक है, यहाँ से मैं ये एक्सिस को और वाई एक्सिस जो है हमारे पास, इनको मैं फिक्स करना चाहता हूँ. ओरिजिन पे चले जाए, इसको ऑफ कर. ठीक है, तो पहले हम ट्रिम कमांड्स को अप्लाई करते हैं, फिर ऑफसेट कमांड, फिर जो हमारे पास एक्सटेंड है. तो आइए मैं एक प्लॉट ड्रॉ करता हूँ. फॉर एग्जांपल 25 फिट लाइन इंटर, फिर 50 फिट, फिर 25 फिट, देन सी और ग्लो. ठीक है, तो ये हमारे पास है पांच मरले का प्लॉट ड्रा हो गया. अब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इसके अंदर मतलब दीवार बन जाए, तो उसके लिए हम ऑफसेट कमांड यूज करेंगे. अगर आप इसके साथ दोबारा अब लाइन ड्रा करना चाहते हो तो वो काफ़ी मुश्किल होगा, तो इसीलिए हम ऑफसेट कमांड इसके लिए यूज़ करते हैं. ऑफसेट कमांड के लिए ओ इंटर then size 9 inch, then enter. अब enter कर लिया size 9 inch, तो ये आपके पास देख लीजिए. line को select करो, फिर यहाँ press, तो ये आपके पास खुद बखुद ये 9 inches की ये walls देख रहे हो. mouse cursor के साथ zoom कर ले. अब हमारे पास trim command है. trim command और erase command में फर्क क्या है? trim command जो है हमारे पास tr double enter press करने से, अब ये स्पेसिफिक पॉइंट है, इसको अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो ये देख रहे हो ये आपके पास रिमूव होगी. अब ये अगर ये उसके पास, तो ये आपके पास रिमूव होगी. और अगर नहीं, आप इसके साथ अरेज कमांड, तो अरेज के साथ ये कंप्लीट लाइन आपके पास रिमूव हो जाएगी. फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली, ई एंटर, देख रहे हो, तो आपके पास ये कम्प्लीट लाइन रिमूव होगी. तो इसी वजह से हम ट्रिम कमांड यूज करते हैं अगर मामूली कोई पॉइंट आपको रिमूव करना. ठीक है, tr डबल इंटर, दोबारा मैं अप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, तो ऑफसेट कमांड इस तरह है, ट्रिम कमांड ये है. अब एक्सटेंड, एक्सटेंड अगर आप कोई लाइन एक्सटेंड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी. ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन मेरे पास इस जगह पर मिल ले, तो इसके लिए ई एक्स डबल इंटर, तो डबल इंटर प्रेस करके लाइन पर क्लिक करो, तो आपके पास ये लाइन अटैच हो जाएगी. तो ये हमारे पास एक्सटेंड कमांड है. दोबारा मैं अप्लाई करता हूँ, स्लाइड अप्लाई करता हूँ ई एक्स डबल इंटर, तो ये लाइन पर प्रेस करो, तो ये आपके साथ लाइन एक्सटेंड होगी. इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ इस लेक्चर की समझ आई होगी. इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. ओके, अल्लाह हाफिज़.